आज हम बात करेंगे बुक डिक्लटर योर माइंड के बारे में, जिसे बैरी डेवनपोर्ट और एस जे स्कॉट ने लिखा है। बैरी का अवार्ड विनिंग पर्सनल डेवलपमेंट साइट लिव बोल्ड एंड ब्लूम की फाउंडर, एक सर्टिफाइड पर्सनल कोच, ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर हैं और पॉजिटिव हैबिट्स, लाइफ पैशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, माइंडफुलनेस और सिंप्लिसिटी पर आधारित बहुत सी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स की ऑथर हैं। स्कॉट एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिनके सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर 30 से ज्यादा किताबें छपी हैं और 12 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं। इनकी किताबें डेली एक्शन प्लान बताती हैं जो तुरंत इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इनकी किताबें हेल्थ, फिटनेस, वर्क और पर्सनल रिलेशनशिप पर आधारित हैं। डिक्लटर योर माइंड आपको ऐसी आदतें, एक्शंस और माइंडसेट सिखाएंगी जिसे आप दिमाग को खाली करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप फिर से फोकस्ड हो सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि एक सिंपल शांत मेंटल लाइफ कैसे पाई जाए और कैसे उस टाइम और इमोशनल एनर्जी को फिर से पाएं जिसे हमने ज्यादा सोचने और चिंता करने में खराब कर दिया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आप हमें इमीडिएटली ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कभी आपने खुद को अपने ही ख्यालों से घबराया हुआ महसूस किया है? क्या आप चिंता और परेशानी से जूझे हैं या सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में चिंता बंद कर देना चाहते हैं? अगर आपका इन सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है तो ये किताब और समरी आपके लिए ही है। इस बुक को 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है जो हमारी लाइफ के सभी हिस्सों को कवर करती है, जिसमें बताया गया है कि हमारे माइंड की डिक्लटरिंग कैसे होगी, मतलब कैसे हम अपने माइंड से अनचाही चीजों को निकाल सकते हैं, जैसे डिक्लटरिंग योर थॉट्स, लाइफ ऑब्लिगेशंस, रिलेशनशिप और सराउंडिंग्स। तो चलिए फिर इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। डिक्लटरिंग योर थॉट्स, ख्याल हमारी असलियत बताते हैं और हमारी दिमागी हालत पर असर डालते हैं। हालांकि बहुत से ख्याल का होना हमारे दिमाग को भर सकता है। हम खासकर अपने नेगेटिव ख्यालों से प्रभावित होते हैं क्योंकि जब जब हम उनको दूर करते हैं वो वापस आते रहते हैं। अपने ख्यालों को संभालने के लिए, नेगेटिव ख्यालों से दूर हटने और दिमाग को खाली करने के लिए हमें अपने माइंडफुलनेस पर काम करना होगा। फोकस डीप ब्रीथिंग, जब हम बहुत दबा हुआ या परेशान महसूस करते हैं तो हमें लगातार सांस लेनी पड़ती है और सांस की कमी होती है। धीमी, गहरी और रिदम में सांस लेना हमारे दिमाग पर फिर से काबू पाने में मदद कर सकता है। मेडिटेशन, ज्यादातर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस शांत बैठने, अपनी सांस पर ध्यान देने और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अनदेखा करने से शुरू होती हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ध्यान बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। रोज 10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस से शुरुआत करें। मेडिटेशन एक तरीका है अपने दिमाग के शांत हिस्से में जाने का जो पहले से ही आपके दिमाग में है, उन 50,000 ख्यालों के नीचे दबा हुआ जो एक आम इंसान एक दिन में सोचता है। रीफ्रेम ऑल नेगेटिव थॉट्स, क्रिटिकल सोच हमें प्रॉब्लम को तेजी और प्रभावी रूप से सुलझाने में क्षमता देती है। क्रिएटिव सोच असली गहरे और खुले आइडियाज को बनाती है, पर अक्सर अनचाही नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग को भर देती है और हमारी जिंदगी के जोश को खत्म कर देती है। इस आदत को बदलने के लिए और उसे दोबारा से बनाने के लिए बी द वॉचर, अपने ख्यालों के बारे में पता लगाएं। खुद को अपने ख्यालों से अलग करके ऑब्जर्व करें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नेम दैट थॉट, दिमागी तौर से मान ले कि ये ख्याल आपकी असलियत नहीं है। बोलिए, मुझे ख्याल आ रहा है कि मुझे ये सब कभी नहीं मिलेगा। जस्ट से नो, इमेजिन करें कि आप नेगेटिव थॉट को एक गहरे छेद में डाल रहे हैं या एक गुब्बारे में जो दूर उड़ जाता है। ट्राई द रबर बैंड ट्रिक, जब नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाएं तो धीरे से एक रबर बैंड अपनी कलाई पर चढ़ा लें, इससे आपके नेगेटिव थॉट्स का फ्लो रुक जाएगा। नो योर ट्रिगर्स, लगभग हर नेगेटिव थॉट्स किसी इंसान, सिचुएशन या फिजिकल स्टेट से आती है। उन ट्रिगर को लिखें ताकि आपको पता रहे कि वो कब होते हैं। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके साइकिल को तोड़ें। खुद को ऐसे काम में लगाएं जिसमें ध्यान और दिमागी शक्ति लगती हो। टीच योर ओल्ड माइंड न्यू ट्रिक, अपने पुराने माइंड को नई ट्रिक सिखाएं। चैलेंज द थॉट एंड रिप्लेस इट, ख्याल को चुनौती दें और उसे बदल दें। खुद को कोई पॉजिटिव घटना या कोई पुरानी जीत याद दिलाएं। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, एक गहरी सांस लें और दिमागी रूप से लड़ना बंद करें। खुद से पूछें, क्या मैं सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या इससे सीखने के लिए कुछ पॉजिटिव है? इसे खत्म करते ही मुझे सपोर्ट कैसे मिल सकता है? टेक माइंडफुल एक्शन, कुछ ऐसा करें जिसमें ध्यान लगे और दिमाग को चुनौती मिले, ताकि आप फिर से ओवरथिंकिंग या चिंता में जाने से बच सकें। ऐसे काम करें, लिखना, पेंट करना या ड्राइंग करना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, अपने हाथों से कुछ बनाना।
सेट अ वरी टाइमर, एक 10 से 15 मिनट का टाइमर सेट करें और खुद को उन चीजों पर ध्यान देने का मौका दें जो आपके दिमाग में आती हैं। उन सबको बाहर निकालें, अपने ख्यालों को लिखें ताकि उनके जवाब ढूंढे जा सकें। डिक्लटरिंग योर लाइफ ऑब्लिगेशंस, हमारे लिए क्या बेस्ट है इसे ठीक से समझने की जगह हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ उस पर रिएक्ट करते हैं जो भी जिंदगी हमें देती है। इतनी इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड को कम करने का एक आसान तरीका है हमारी कोर वैल्यूज को डिफाइन करना, जो वक्त, मुश्किलें और बदलाव के आधार पर होती हैं। अपनी वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए 4-स्टेप स्ट्रेटजी है। आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज, अपनी वैल्यूज की लिस्ट की जांच करें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी लगते हैं, उन्हें लिखें। दोनों कॉलम्स में से टॉप 5 वैल्यूज को चुनें और उन्हें 2 अलग अलग पेजेस पर लिखें। अब हर वैल्यू के नीचे प्रेजेंट लाइफ में उसे करने के सभी तरीके लिख दें, पर इन वैल्यूज को करने के स्पेसिफिक एक्शन के बारे में भी सोच लें। कौन से काम अभी या आने वाले वक्त में किए जा सकते हैं, उनको छोटे और संभाल सकने वाले हिस्सों में बांट लें। क्लैरिफाई योर लाइफ प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज ये दिखाते हैं कि आप कैसे अपना टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च करते हैं। ऐसे 7 की लाइफ एरियाज हैं: करियर, फैमिली, मैरिज, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल ग्रोथ, सोशल लाइफ मैनेजमेंट और हेल्थ। सोने, खाने और हाइजीन को हटाकर हम सबके पास हर हफ्ते 100 वेकिंग आवर्स होते हैं। अपनी वैल्यूज के हिसाब से हर एरिया को आप कितने घंटे देंगे? क्या आपकी असल जिंदगी आपकी आइडियल जिंदगी से अलग जा रही है? कुछ स्पेसिफिक एक्शन से आप इसे कैसे फिर से बैलेंस कर सकते हैं? फोकस माइंडफुली ऑन क्वार्टरली स्मार्ट गोल्स, प्रेजेंट का आराम और भविष्य की प्लानिंग एक साथ की जा सकती है। हर पल का मजा लेना ही की है, साथ ही अपने भविष्य को बनाते हुए रास्ते के हर कदम का मजा लीजिए। इसके लिए क्वार्टरली स्मार्ट गोल्स बनाएं, ना कि सालों साल लंबे गोल जो आपको प्रेजेंट मोमेंट से भटका देते हैं। स्मार्ट गोल स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, 6 सवालों का जवाब देना: कौन, क्या, कहां, कब, कौन सा और क्यों। मेजरेबल, ठीक टाइम, अमाउंट या अलग यूनिट्स में गोल की तरफ आपकी प्रोग्रेस को नापना। अटेनेबल, अपनी लिमिट को स्ट्रेच करना, वहां तक जाना जहां तक पहुंचना पॉसिबल है। रेलेवेंट, अपनी असल चाहत की धुन में ही सब कुछ करें। टाइम बाउंड, अपने गोल्स के लिए स्पेसिफिक डेडलाइंस लिखें। कैसे स्मार्ट गोल्स को एक्शंस में बदलें, आपके लिए क्या जरूरी है उसे पहचानें। अपनी जिंदगी के 3-4 एरियाज पर ध्यान दें, 3 मंथ के गोल पर ध्यान दें। जिंदगी लगातार बदल रही है, लंबे गोल्स अक्सर डीमोटिवेटिंग होते हैं। स्केड्यूल बनाने के लिए एक वीकली रिव्यू का इस्तेमाल करें। अपने प्रायोरिटीज और अवेलेबल टाइम का ध्यान रखते हुए अपने हफ्ते का डेली एक्शन प्लान बनाएं। अपने गोल्स पर एक्शन लें, अपने गोल को एक प्रोजेक्ट बना दें, शुरुआत करें एक टारगेट डेट से और फिर पीछे से काम करना शुरू करें। हर गोल पर कितना वक्त चाहिए होगा ये पता लगाकर गोल पर काम करने के वक्त का स्केड्यूल बनाएं। अपने प्रायोरिटी गोल्स को सुबह में सबसे पहले करें। अपने गोल्स को रोज रिव्यू करें, उन्हें अपने दिमाग में रखें। अपने क्वार्टरली गोल्स का हिसाब लगाएं, खुद से पूछें कि क्या मैंने मनचाहा रिजल्ट पाया है, कौन सी स्ट्रेटजी सफल रही, कौन सी नहीं, क्या मैंने इन टास्क को पूरा करने के लिए अपना 100% दिया है। कनेक्ट गोल्स टू योर पैशंस, जब आप अपनी चाहने वाली चीज पर काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर हिस्से में एनर्जाइज महसूस करते हैं, अपनी जैसे सोच वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। अपने पैशन को ढूंढने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। अपनी जिंदगी के हर एरिया में क्या चाहते हैं उसका विजन लिखें। ऑनलाइन पर्सनालिटी असेसमेंट की मदद से खुद की जांच पड़ताल करें। अपनी इंटरेस्ट वाली चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करें, कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, सफल लोग, सैलरी फिगर्स और कितना टाइम चाहिए होगा, इन सब तक अपनी सोच सीमित रखें। खुद से कुछ ट्राई करें, कुछ दिन के लिए किसी के साथ रहकर काम करें या कोई पार्ट टाइम जॉब करें। सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा डालें जिससे ये ट्रांजिशन स्मूथ हो सके। अपने एम्प्लॉयर से बात करके अपनी अभी की नौकरी का हल निकालें। अपने डेली एक्शन से मोटिवेटेड रहें, अपने बड़े गोल की तरफ फोकस रहें। डिक्लटरिंग योर रिलेशनशिप्स, हमारे करीबी रिश्ते जैसे कि एक रोमांटिक पार्टनर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर और हमारे कोवर्कर भी जिंदगी की लॉन्ग टर्म खुशियों में भागीदारी होते हैं। एक अच्छे रिश्ते में ये सब होना चाहिए: रिश्ते को प्रायोरिटी देना, ओपन कम्युनिकेशन, हेल्थ कॉन्फ्लिक्ट डिस्कशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी एंड फाइनली फिजिकल टच। ये 4 तरीके हैं जो आपके रिश्ते को बेहतर बनाने और मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिसका सीधा और पॉजिटिव असर आपके माइंडसेट पर पड़ता है। बी मोर प्रेजेंट, एक रिश्ते में प्रेजेंट में रहना और कम इमोशनली रिएक्टिव होना स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने में मदद करता है। इसके लिए प्रैक्टिस एम्पैथेटिक लिसनिंग,
अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड से बाहर कदम रखें और लोगों के शब्दों को बिना जजमेंट के सुनें, उनको सेफ और समझे जाने का एहसास कराएं। स्पीक माइंडफुली, बातचीत के दौरान अच्छे से ध्यान दें और किसी के शब्दों और एक्शन पर रिएक्ट करने की उत्सुकता पर काबू पाएं। मेडिटेट लविंग काइंडनेस, दूसरे लोगों के लिए वार्म फीलिंग लाने पर ध्यान दें जो प्यार के लायक है। स्टॉप कंपेयरिंग टू अदर्स, दूसरों से खुद की तुलना ना करें, खुद को एक्सेप्ट करें। जो आप बदल सकते हैं उसे बदलें और लगातार ग्रैटिट्यूड देते रहें। गेटिंग अनस्टक फ्रॉम द पास्ट, पास्ट के बहुत से ख्याल आपके प्रेजेंट के लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप अक्सर उन्हें उसी से पहचानते हैं। पास्ट के नेगेटिव थॉट्स को साफ करने के लिए रिजॉल्व व्हाट यू कैन, अपनी फीलिंग्स और दर्द को बांटें, दूसरों का नजरिया सुनें, माफी दें, माफी मांगें और रिश्ते का भविष्य डिस्कस करें। चैलेंज योर स्टोरी, अपने नजरिए को ही चुनौती दें। माइंडफुलनेस विद योर पार्टनर, माइंडफुलनेस अपने इमोशंस को नकारने या दबा देने के बारे में नहीं है, ये अपनी भावनाओं और अनुभवों को काबू करने और मान लेने के बारे में है। ये आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत कर सकता है, साथ ही आपकी जिंदगी का स्ट्रेस भी कम कर सकता है। इसे पाने के लिए मेक एंड कम्युनिकेट द कमिटमेंट, अपने पार्टनर के साथ माइंडफुलनेस की हैबिट रोज प्रैक्टिस करने के बारे में बात करें। बी इमोशनली प्रेजेंट, पेन के लिए इमोशनली ओपन रहें, सहानुभूति दिखाएं और अपने पार्टनर के शब्दों और बॉडी लैंग्वेज को वापस रिफ्लेक्ट करें। लिसन विदाउट डिफेंसिवनेस, एक्टिवली सुनें बिना अपना रिस्पांस और बचाव तैयार किए। अपने रिएक्टिव इमोशंस का पता रखें पर उन पर एक्ट ना करें। लुक फॉर लेसंस विद इन कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई या टकरार में भी लेसंस को ढूंढें। लेट गो ऑफ सर्टेन पीपल, कभी कभी उन लोगों के लिए गुड बाय कहने का एक्शन ही लेना बाकी रह जाता है जो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वो यूनिवर्सल थीम्स जब गुड बाय करने का वक्त आ जाता है, बोलकर इमोशनल या फिजिकल अब्यूज, लगातार बेईमानी, वफादारी ना करना या जहरीलापन, कोर वैल्यू से भटकना, लायक ना होना, इमैच्योरिटी, इमोशनली हेरफेर, गैर जिम्मेदार होना, अनसुलझी या ठीक ना की गई दिमागी परेशानियां, लत लगना जैसे ड्रग्स, एल्कोहल, सेक्स, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, बात ना करना, परेशानियों को डिस्कस ना करना या रिश्ते में इन्वेस्टमेंट से मना करना। खुद को एक दर्दनाक रिश्ते से बाहर निकालने के लिए इस इंसान के बिना जिंदगी की पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचें। क्या होगा जब आपको इस इंसान के साथ होने वाले इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुड बाय करने के बारे में सोचें, हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें कि आप कैसे जा सकते हैं। आपको अपने प्लान के बारे में अपने कॉमन फ्रेंड्स, फैमिली या थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए। गुड बाय के असली मतलब को डिफाइन करें, किस तरह की बातचीत आप उनसे रखना चाहेंगे और कितनी दफा, आप अब उनसे क्या सहन नहीं करेंगे। बिना दोष डाले अपने इरादों को बताएं, छोटा करके समझाएं और अपनी भावनाओं पर उनकी गलतियों से ज्यादा ध्यान दें। मान लें कि ये एक प्रोसेस हो सकता है, ये शायद ही आसान या बिना दर्द के होगा। अगर यही आपके लिए सही तरीका है तो खुद को ये स्लो तरीके से करने की परमिशन दें, खुद को शोक मनाने की अनुमति दें। दुख को अगर आप नॉर्मली जाने की प्रोसेस की तरह देंगे तो ये और तेजी से गुजर जाएगा। डिक्लटरिंग योर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालती है। अक्सर हम माइंडलेस कामों में फंस जाते हैं क्योंकि हम बस अपने सामने जो होता है उस पर रिएक्ट करते हैं। दिमाग के स्पेस को खाली करने के लिए सिंप्लीफाई योर होम, दिन में सिर्फ 10 मिनट अलग से बैठें और कुछ ही हफ्तों में आपका घर बेहतर हो जाएगा। पास्ट को जाने दें और उन फिजिकल सामान को भी जो आप पर बोझ डालते हैं। सिंप्लीफाई योर डिजिटल लाइफ, दिन भर की अपनी डिजिटल एक्टिविटीज पर ध्यान दें, कहां और कैसे आप कट करना शुरू कर सकते हैं। अपने ईमेल इनबॉक्स, डेस्कटॉप आइकन को खाली करने और अपने फाइल्स और डॉक्यूमेंट को भी ठीक से रखने का वक्त दें। सिंप्लीफाई योर एक्टिविटीज, बिजी रहना आपके दिमाग को भरता है, मान लें कि कम भी ज्यादा हो सकता है। अपने स्केड्यूल को खाली करने के लिए रोज के कामों को प्रायोरिटाइज करें, ना कि सबको करने की कोशिश करें। बिना सीरियस नुकसान के अपनी कमिटमेंट्स करें, अल्टरनेटिवली डेलीगेट करें, देरी से करें और उन्हें छोटा करें। रोज के 3 जरूरी गोल्स पर फोकस करें, पर ज्यादा इरादे, वक्त और ध्यान के साथ। कुछ ना करने के लिए भी वक्त निकालें, शांत रहें और कुछ ना करें। काम को टाइम पर छोड़ दें, अपनी ओवरटाइम करने की आदत को कम करें। हफ्ते में एक दिन या वीकेंड बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के बिताएं। एक चुनौती या कौशल पर काम करके ध्यान की ताकत को हासिल करें। सिंप्लीफाई योर डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस हमारा वक्त और मोटिवेशन चुरा लेते हैं और ज्यादा करने के लिए हमें चिंता में जकड़ लेते हैं। सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहले अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम डिसाइड करें और पूछे कि वो जरूरी क्यों है। हर काम को छोटे काम में बांट लें और पता लगाएं कि उनमें कितना वक्त लगेगा।
इन कामों को अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव हिस्से में स्केड्यूल करें ताकि आपको आउटपुट मैक्सिमम आए। काम के लिए बैठने से पहले आपके पास सब कुछ होना चाहिए, कॉफी, पानी, स्नैक्स, एक ऑर्गेनाइज्ड डेस्क। बिना रुकावटों के काम करें, अपना फोन ऑफ कर दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दें। 25 मिनट का टाइमर लगाकर पूरी लगन से काम करना शुरू करें। जब टाइमर खत्म हो जाए तो खुद को छोटा ब्रेक दें, पर कुछ ऐसा ना करें जिससे आपका ध्यान भटक जाए, जैसे कॉल्स, ईमेल्स। अपने 3 सबसे जरूरी कामों के बीच लंबे 15 से 20 मिनट के ब्रेक लें। उसमें एक्सरसाइज, मेडिटेट और बिना स्ट्रेस वाली बातचीत करें। माइंडलेस टास्क जैसे कि आसान पेपर वर्क, ऑर्गेनाइजिंग आपके दिन के सबसे कम प्रोडक्टिव वक्त में होने चाहिए। सिंप्लीफाई योर एक्शंस। सबसे मुश्किल कामों के दौरान भी प्रेजेंट में रहने और जागरूक बनने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। ईट मील्स, खाने का स्वाद लें पूरी डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स के साथ। क्लीन योर हाउस, इसे करने पर ध्यान दें ना कि किसी और से करवाने पर। वॉक, रास्ते पर ध्यान दें और चलने को ही मंजिल बन जाने दें। एक्सपीरियंस नेचर, अपनी सभी सेंसेस के साथ सराउंडिंग्स पर ध्यान दें। एक्सरसाइज, अपनी बॉडी पॉस्चर, डिस्कम्फर्ट और मूवमेंट्स पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आपका दिमाग ही आपके सभी अनुभवों का आधार है, इसको रोज ट्रेन करें। गहरी सांस और मेडिटेशन दखल देने वाली भावनाएं और ख्यालों से अलग करने में मदद कर सकते हैं। चार्ज अपने हाथ में लेने और ख्यालों की ताकत पर काबू पाने के लिए उन्हें चुनौती दें, उनमें दखल दें और फिर से बनाएं। प्रायोरिटीज और कोर वैल्यूज के आधार पर गोल सेट करें ताकि आप एनर्जाइज बने रहें। अपने रिश्तों में माइंडफुल और प्रेजेंट में बने रहें ताकि बहुत सी उलझन और स्ट्रेस से बचा जा सके। अपने घर और डिजिटल दुनिया को ऑर्गेनाइज रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन दूर रहे, जो आपको आपकी वैल्यूज, प्रायोरिटीज और गोल से दूर खींचते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।